तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये भी गिर गया, तुम्हें लगी तो नहीं? अरे आसिफ भाई, ये कंपाउंड गद्दे का है जो लगेगा नहीं? लगेगा तो सही ना। हाँ सॉरी, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट। कोशिश कीजिए आती मैं उठने की। नहीं हो रहा है। पापा, हंस, हंस तुम ठीक तो हो ना? हाँ। पटलाल भाई। ओ हो हो, काई। रुकिए। अरे बेटा सर समझ गया। सब लोग यहाँ ऐसे क्यों बैठे? भूकंप भूकंप बाबू जी, भूकंप। चाचा जी, बबीता जी संभालिए। जाडालाल, मैं गिर रहा हूँ। आप तो गिर चुके हैं, बबीता जी ना गिरे इसलिए बोल रहा हूँ। बबीता जी संभालिए, संभालिए, अब संभालिए। अरे नहीं बबीता जी, मैं उठाता हूँ। अरे अरे, क्या करते हो तुम? सॉरी सॉरी, आपको उठाने के चक्कर में मैं गिर पड़ा। अरे पर बबीता ने तो मेरे का पैर नहीं उठा लिया था। अच्छा, ओ सॉरी बबीता जी, रात दीजिए प्लीज। एक मिनट, पहले मैं उठेगा और फिर बाद में मैं तुमको उठाएगा। ओके बबीता, उठो उठो उठो। आराम से। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। ओ जडलन, और मैंने तुमको उठाया है, और थैंक यू बबीता को बोलता है। आपको तो बबीता जी ने उठाया है ना, तो आपको बोलना चाहिए थैंक यू बबीता जी को, लेकिन आप नहीं बोल रहे, तो आपकी तरफ से मैंने बोला बबीता जी को थैंक यू बबीता जी। It's okay. क्यों? अब्दुल,
विकेट गई। इधर क्रिकेट कौन खेल रहा है? ओ मेरी पोली पार्सन, वो एक और बंदा स्लिप हो गया। अरे बाप रे, कंबल देखे इधर पैर। ठीक है ना? ये सब क्या है? अरे मैं तो उस बच्चन कम कर रहा हूँ। ओए पिडू नचुक, पिडू नचुक। राजी भाई हाँ, संभालो, आराम आराम। बेटा सब ठीक है? बापूजी आराम से बापूजी। अचानक हमारी सोसाइटी में इतने सारी लील कहाँ से हो गई? क्या हो गई? लील 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 मतलब? अरे लील का मतलब काई। यार जगह जगह पे जो ग्रीन पैचेस हुए हैं ना उसको काई बोलते हैं। ये मॉस मॉस एल्गी। अरे भाई काई ने लील ने वो सब छोड़ो ना, ये हाथी लाके उठाओ कोई। पापा आपको ज्यादा लगी तो नहीं? हंस ठीक तो? अरे बाबूजी हर जगह लील है। बाबूजी आप ठीक तो हैं? आपको लगा तो नहीं? अरे भाई मैं ठीक हूँ, मुझे क्या पूछ रहा है, हाथी को पूछो। हाथी भाई ठीक हो ना? हाथी भाई ठीक है आप, आपको लगा तो नहीं? हाथी भाई कैसे आप? अचानक ऐसा हुआ कैसे अचानक लगी? हाथी भाई ठीक हो ना? अरे कुछ बोलिए हाथी भाई, बोलते क्यों नहीं है? तो यारो तो लगता है हाथी प्राप को कुछ ज्यादा चोट लगी है, वो दर्द के मारे कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे कोई बोल दे देगा तो मैं बोलूंगा ना। अभी कोई नहीं बोल रहा है, अभी आप बोलिए। अय्यर भाई प्लीज कुछ मत बोलना, उनको बोलने देना आप। अरे शांति रखना, बोलने देना तू। मैं तो चुप ही हूँ। अरे फिर बोल रहा है जेठिया। अच्छा बोल बोल। मुझे लगी नहीं है, मेरी कमर में क्रैम्प आ गया है, मैं उठ नहीं पाऊंगा। एक बार उठ के बैठ जाऊंगा ना और आराम करूंगा तो ठीक हो जाएगा। गॉड, तो फिर हंस का उठना मुश्किल है। हाथी भाई अगर ऐसी बात है तो उठने की लोड़ है। ओए इधर ही लेटे लेटे आराम करो टॉप क्लास। ये रोशन सु बात करे छे, हाथी भाई ऐसे धूप में तो नहीं लेटे रह सकते ना? हाँ वो है भी करेक्ट है। एक्चुअली हंस घर से भिड़े भाई को ये बताने के लिए निकले थे कि सोसाइटी में कितनी काई जमी हुई है, कितने सारे लोग गिर रहे हैं, इसका कुछ करना पड़ेगा। सही बात है। आ, 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 देख देख भिड़े तेरी वजह से क्या हो गया? काईते? काईते नहीं, काई है और ये काई की वजह से सब फिसल के गिर रहे हैं। हाँ तो ऐसे बोलो ना कि काई की वजह से गिरे हाथी भाई। हाथी भाई गिरे भले काई की वजह से, लेकिन उसका जिम्मेदार तू है। मंजे? मंजे क्या मंजे? तू सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी है, सोसाइटी को साफ रखने की जिम्मेदारी तेरी है। ये कब करेगा ये सब साफ? हैं? मतलब है कब साफ करवाएगा? किसी का सर पैर टूटने के बाद में? ओ पटलाल अभी ये सब बातें बाद में करते हैं। बाद में क्यों भाई, बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? डर गया ना? डरपोक। डरपोक किसको बोलता है? डरपोक किसको बोलता है? अरे शूरवीर मराठा है मी, घाबरते कोणाला? डरपोक किसको बोलता है तू? काम का शूरवीर है, काम तो कुछ करता नहीं है। मेहता सब समझाओ। अरे पोपटलाल भिड़े जाने दो ना। हाँ। वो छाताधारी परेशानी, ये सब काम करवाना है मुझे पता है, आज सुबह मैंने माधुरी से इसके बारे में बात की थी। हाँ बरोबर है पोपट भाऊ जी, इन्होंने बोला था ऐसा। लेकिन माधुरी भाभी बात करने से कुछ नहीं होता है ना, काम करना पड़ता है। अरे शांत हो जाओ तुम लोग, शांत हो जाओ। प्लीज प्लीज। थैंक यू चाचा जी, आप लोग प्लीज आपका झगड़ा बाद में कंटिन्यू करेंगे, अभी प्लीज हंस को उठाने में मदद कीजिए। याद रखना भिड़े, मुद्दा अभी बाकी है, आपकी बात उठाने के बाद ये सवाल फिर से उठेगा। अरे तो उठे तो मैं मना कर रहा हूं क्या? हिम्मत करो, हिम्मत करो।
तेरा पैर ठीक है ना? हाँ ठीक है बापूजी, ठीक है, बच गया। हे भगवान, अब क्या करें? इसे घर कैसे पहुंचाएं? बेबी, पापा को घर कैसे ले जाएंगे? ओ यारो, वो हाथी प्राह को घर पहुंचाने का मेरे पास एक टॉप क्लास आइडिया। सारे पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। ये क्या करने वाला है? जो बोले सो निहाल। क्या कर रहे हो? हंस, तुम ठीक तो हो ना? पापा आई ऑल राइट। ठीक हूँ। रोशन, अब वो कोई करे छे? ये क्या तरीका है? मुझे यही आइडिया है, वो हाथी प्रा को ऐसे रोल करके घर तक ले जाते हैं। अरे ये कोई गैस का सिलेंडर थोड़ी है जो इसे ऐसे ऐसे करके घर पहुंचाएगा। सही बात है। ऐसे कैसे ले जा सकते? नहीं नहीं सॉरी भाई, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं ऐसे नहीं। तो और क्या करें? अरे सोड़ी, कुछ और सोचना पड़ेगा। ओ यारो, ओ मेरे पास ना इससे भी वधी आइडिया है। क्या? हाय। क्या बोल? मुझे क्रेन मंगाते क्रेन? सोड़ी, हाथी भाई है, रियल में हाथी नहीं है। ये भी करेक्ट है जी। खेलो ते गए चेसू? तो फिर तू एक सेकंड। ओ मेरे पास एक धांसू आइडिया है। अब क्या सॉरी? एक मिनट, मैं आया। क्या? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ये क्या? लेकिन देखते चलना भाई। मेरे रोशन के मगज के टूलबॉक्स में ना नवी नवी आइडिया होती है। जा जा, किसी को फोन करने गया। चौकस कोई फर्राटेदार आइडिया होगे। टेंशन नहीं लो बड्डू सारू ठसे। हाँ पता नहीं अब क्या लाएगा। एग्जैक्टली थोड़ी क्या आइडिया करेगा कुछ मालूम नहीं। कोमल, मुझे प्यास लगी है, पानी दो ना। अभी लाती हूँ, एक मिनट कोमल पापी, मैं जूस लेकर आती हूँ। जूस? मुझे करेले का जूस नहीं पीना। अरे नहीं नहीं, करेले का जूस नहीं, अब फ्रूट जूस। पर अंजलि भाभी, हंस को पानी चाहिए। पर जूस इज बेटर फॉर एनर्जी। हंस, तुम्हें पानी चाहिए या जूस? दोनों मंगवा लो। परफेक्ट। ओहो, प्यास लगी होगी ना एकदम। ठीक है, मैं अभी लाती हूं। थैंक यू अंजलि भाभी। संभल के, संभल के। कितनी धूप है। हाँ। पता नहीं बेचारे हाथी भाई की क्या हालत हो रही होगी। अरे तो तुम क्या छाता लेके खड़े हो गए भाई? हाथी भाई को तो छाता। अरे हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। हाथी भाई आ रहा है, आ रहा है। थैंक यू। इट्स ओके। अरे खड़े क्या हो पोपटलाल, बैठ जा। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, आई एम कंफर्टेबल। ओ कंफर्टेबल उनके लिए बोले बैठने के लिए। हाँ बेचारा कड़ी धूप में लेटे है। लेटे लेटे को कैसे हो सकते टेबल? हाँ समझ गया। जूस बोल। आराम से, आराम से। हाँ। आराम से हंस। हो गया पानी? हो गया। अभी जूस, अभी जूस। हाँ पीजिए पीजिए आती भाई। बेचारे आती भाई। आप पी लिया, पी लिया, जूस भी पी लिया। हाँ थैंक यू। अरे उबारा की दोन पाया वरती। ओ
यारो अब देखना मेरे इस धासू आइडिया से मैं कैसे हाथी ब्रा को यू स्किंटो में खड़ा कर दूंगा। अंजलि लेकिन आइडिया क्या है वो तो बता। अजी बस चाचा जी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसमें भी सरप्राइज। बेबी पापा के लिए एक पिलो लेकर आओ ना। पापा के लिए आराम से। वाह वाह बड़ी बेटा वाह वाह बहुत बढ़िया। हाँ ये अच्छा किया। अरे वो छाता उसके ऊपर रखो बटलाल। आजा भैया आजा। हैप्पी गॉड अभी कहीं सोड़ी भाई रस्सी बांध के हंस को खींचेंगे तो नहीं? नहीं रे नहीं कुछ अच्छा ही आइडिया होगा कोमल भाभी। बस 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 अभी आजा बाबा आजा। सारे जैक ये क्या है छोटे? गिरेश का काम यहाँ लेके आए हो तुम? ओ नहीं नहीं पिड़ू ओ ये है मेरा तासू आइडिया। मतलब? ओ मतलब ये कि ये जैक हाथी ब्रा के लिए। हंस के लिए? ये जैक से क्या करेगा तुम? हाथी ब्रा को उठाएंगे। नहीं नहीं सोड़ी। अरे हाथी ब्रा तुसी घबराओ ना। ओ मैं अपने गैराज में ना आपसे भी भारी भारी और वड्डी वड्डी गड्डियों को इसी जैक से उठाता हूँ। रप्पण। अरे लेकिन सोडी हाथी भाई इंसान है गाड़ी नहीं जैक कैसे लगाओगे? ओ ठंड रखो मेहता साहब अभी बताता हूँ। ओ पिड़ू अपने पास कोई मोटी प्लाई होगी? हाँ है ना सोसाइटी ऑफिस में। ओ बहुत बढ़िया जी जा चेती लिया। बिड़ भाई चाबी। अब्दुल भाई मैं भी आता हूँ। जा पुत्र जा। संभाल के संभाल के संभाल के लेकिन जल्दी बेटा जल्दी। पता नहीं क्या करेगा। अब यारो मेरा प्लान ध्यान से सुनो। हम प्लाई को हाथी भाई के बिल्कुल बगल में बिछाएंगे। उसके बाद हाथी भाई को एक बार फिर से रोल करेंगे। रोल करके? हाँ कोमल भाभी बस एक बार। फिर आगे सुन। फिर रोल करने के बाद हम प्लाई के नीचे ये चारों जैक चारों तरफ से लगा देंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैक को हम उठवाएंगे टॉमी से। जब पूरी प्लाई वो सोफे या पलंग की हाइट की हो जाएगी फिर सिंपल है भाजी हाथी प्रा को बिठा के बिल्कुल पैर नीचे रख के भाजी खड़ा करवा देंगे। हाँ आइडिया तो वैसे अच्छा है पर सफल के करना। भाई हाथी भाई को उठाने के चक्कर में सबके पसीने छूट गए। हाथी भाई को धक्का मारा रगड़ने की कोशिश की लेकिन सब नाकाम। अब सोडी ने हाथी भाई को उठाने के लिए अनोखा जुगाड़ सोचा है। भाई जिस तरह से टायर के पंक्चर को ठीक करने के लिए जैक लगाकर गाड़ी को उठाया जाता है ठीक उसी तरह से हाथी भाई को भी उठाया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। जैसे जैसे हाथी भाई ऊपर आते जाएंगे वैसे वैसे हंसी का इंडेक्स भी बढ़ता जाएगा। अब गोकुल धाम में दूसरी बड़ी समस्या ये है कि सोसाइटी के कंपाउंड में जमी हुई काई यानी कि फिसलन का क्या सलूशन निकाला जाए। गोकुल धाम में हर समस्या का सलूशन भी अनोखा होता है जो हंसी और ठाकों से भरपूर होता है। अब गोकुल धाम में आगे क्या हंगामा होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.